अगले तीन नाम जो मैं यहां पर अनाउंस करने वाला हूं, क्या बताएं, आज सारे सपने पूरे हो रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन कभी सपना पूरा होता है ना तो डर लगता है कि एक सपना पूरा गया, दो गया, सारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। बिकॉज पहला नाम ले रहा हूं, फेमिना मिस इंडिया के विनर और चार सुपरहिट फिल्मों के साथ आपके दिल पर जिन्होंने राज कर लिया है, ईशा गुप्ता इज ज्वाइनिंग अस ऑन स्टेज, जोरदार तालियों के साथ गाइज एंड गर्ल्स। एक खूबसूरत फेमस लड़की यहां पर आ गई है जो आपके दिलों पर राज करती है, तो उसी के टक्कर में बॉयज का भी कुछ हाथ होता है। मैं उनके फिल्मों के बारे में, उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो हिम। ऐसा बाण वो मारते हैं कि लक्ष्य भेद हमेशा यकीनन होता है। अर्जुन रामपाल आ गई, एक मैचोमैन यहां पर आया, इसमें भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती क्योंकि मैं एकता कपूर की सीरीज बड़ी देखता हूं। और अब मैं उसी यहां पर बुलाने जा रहा हूं जो हम सबके दिल की धड़कन है। नो नीड टू मेंशन अबाउट फिल्म्स, हर एंटायर फैमिली, लेट मी टेल यू वन थिंग, उनके बारे में, उनके डैडी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, लेकिन आई रिमेंबर द फर्स्ट पर्सन आई रेड अबाउट नाना भर, द ग्रेट मैन, मूकपट के जमाने में, साइलेंट मूवीज के टाइम पे, उस जमाने में 137 फिल्म्स जिन्होंने बनाई थी, उस भट्ट फैमिली की आज के जनरेशन की शान, आलिया भट्ट जॉइनिंग अस ऑन स्टेज। ये बड़ा मुश्किल काम है, तीन तीन स्टार हमारे साथ में, लेकिन मैं चाहता हूं तीन गुना तालियां पहले होनी चाहिए, एवरी वन तो पीछे का है कमाल के, जो सबसे ऊपर बैठे भगवान के बैठे करीब है और बहुत ज्यादा शोर मचाते, बहुत धमाल मचाते। गाइस रिमेंबर, स्कूल में जो सबसे लास्ट में बैठते ना वो आगे जाके सबसे ज्यादा कमाल करते हैं। सर इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि कहां से शुरुआत करें, लेकिन ईशा जी सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमें मौका दिया यहाँ आने का। अर्जुन जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप भी एक लंबे अरसे से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ही इज द पावर मैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, उनकी पर्सनालिटी भी जैसी है, उनको देख के कई लोगों के जिम की जिंदगी शुरू हो गई और कई जिम का कल्याण हो गया है और ये हमेशा ऐसे ही फिट रहे यार, ताली होनी चाहिए, हमेशा ऐसे ही फिट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड फील हैप्पी अबाउट इट, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड रियली अ वंडरफुल प्रोग्राम टू ऑल ऑफ यू। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक बात तो जरूर कहूंगा कि हम लोग हैप्पी बर्थडे बोलते लोगों का, आज मुझे शशांक शेखर जी जिन्होंने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम के लिए, प्रशांत एंकर, आई थिंक शशांक जी ने सबको बुलाया है आप। हां यस यस, ही इज द स्टार, शूटिंग पे भी भेजते रहते हैं उनके लोग। अभी मुझे किसी का एसएमएस आया, प्रशांत वेलकम टू हेड, मैंने कहा वेलकम टू हेड, बोला एचईडी, बोला हैप्पी एक्साइज डे, आपने बोला तो मुझे याद आया, एचबीडी टाइप करते आजकल, मुझे किसी ने भेजा टीसी, मैं बोला मैं कब टीसी था, बोला नहीं इसका मतलब टेक केयर होता है, बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल टेक केयर होता है और जमाना बदलते रहा है। सर ये टैक्स की बात तो आपने बोल दी, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को बोल दिए, लोगों ने सुन लिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का एक कुछ तो बात हम आपके साथ आपके सुनना चाहते हैं कि आपका इतने साल का जो जर्नी रहा, एक हाथ कोई मेमोरेबल इवेंट या फिर एक कोई जबरदस्त डायलॉग जो हमारी ऑडियंस चाहती है उनको, आपको ऐसे आप आके ऐसे चले गए ऐसा लगेगा संस्कार चैनल की शूटिंग चल रही है। हर इंसान दूसरे की जिंदगी चुरा के जीना चाहता है, फितरत है हमारी, और मैं तो हूं ही चोर। क्या बात है, थैंक यू।